प्रस्तुत है कहानी घीसू। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और इस कहानी का वाचन मैं अल्पना वर्मा कर रही हूँ। आप मेरे YouTube चैनल पर देख सुन रहे हैं। संध्या की कालिमा और निर्जनता में किसी कुएं पर नगर के बाहर बड़ी प्यारी स्वर लहरी गूंजने लगती। घीसू को गाने का चस्का था, परंतु जब कोई ना सुने वह अपनी बूटी अपने लिए घूंटता और आप ही पीता। जब उसकी रसीली तान दो चार को पास बुला लेती वह चुप हो जाता, अपनी बटुई में सब सामान बटोरने लगता और चल देता। कोई नया कुआं खोजता, कुछ दिन वहां अड्डा जमाता। सब करने पर भी वह 9 बजे नंदू बाबू के कमरे में पहुंच ही जाता। नंदू बाबू का भी वही समय था बीन लेकर बैठने का। घीसू को देखते ही वे कह देते, आ गए घीसू। हाँ बाबू, गहरे बाजों ने बड़ी धूल उड़ाई, साफे का लोच आते आते बिगड़ गया। कहते कहते वे प्राय जयपुरी गमछे को बड़ी मीठी आंखों से देखता और नंदू बाबू उसके कंधे तक बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, बड़ी बड़ी गुलाबी आंखों को स्नेह से देखते। घीसू उनका नित्य दर्शन करने वाला, उनकी बीन सुनने वाला भक्त था। नंदू बाबू उसे अपने डिब्बे से 2 खिली पान की देते हुए कहते, लो इसे जमा लो। क्यों, तुम तो इसे जमा लेना ही कहते हो ना। वह विनम्र भाव से पान लेते हुए हंसते था, उसके स्वच्छ मोती जैसे दांत हंसने लगते। घीसू की अवस्था 25 की होगी। उसकी बूढ़ी माता को मरे भी 3 वर्ष हो गए थे। नंदू बाबू की बीन सुनकर वह बाजार से कचौड़ी और दूध लाता, घर जाता, अपनी कोठरी में गुनगुनाता हुआ सो जाता। उसकी पूंजी थी 100 रुपए। वह रेजगी और पैसे की थैली लेकर दश अश्वमेध पर बैठता, घाट पर बैठता और 1 पैसा रुपया बट्टा लिया करता और उसको 12-14 आने की बचत हो जाती थी। गोविंद राम जब बूटी बनाकर उसे बुलाते वह अस्वीकार कर देता। गोविंद राम कहते, बड़ा कंजूस है, सोचता है पिलाना पड़ेगा, इसी डर से नहीं पीता। घीसू कहता, नहीं भाई, मैं संध्या को केवल एक ही बार पीता हूँ। गोविंद राम के घाट पर बिंदु नहाने आते, 10 बजे उसकी उजली धोती में गौराई फूट पड़ती। कभी रेजगी के पैसे लेने के लिए वह घीसू के सामने आकर खड़ी हो जाती। उस दिन घीसू को असीम आनंद होता। वह कहती, देखो घीसे पैसे ना देना। वाह बिंदु, घीसे पैसे तुम्हारे लिए ही हैं। क्यों, तुम तो घीसू ही हो ना, फिर तुम्हारे पैसे क्यों ना घिसे होंगे, कहकर वह मुस्कुरा देती। और घीसू कहता, बिंदु बिंदु, इस दुनिया में मुझसे अधिक ना कोई घिसा, इसलिए तो मेरे माता पिता ने घीसू नाम रखा मेरा। बिंदु की हंसी आंखों में लौट जाती। वह एक दबी हुई सांस लेकर दश अश्वमेध के सरकारी बाजार में चली जाती। बिंदु नित्य रुपया नहीं तोड़ाती, इसलिए घीसू को इसकी बातों के सुनने का आनंद भी किसी किसी दिन ही मिलता। तो भी वह एक नशा था जिससे कई दिनों के लिए भरपूर तृप्ति हो जाती। वह मूक मानसिक विनोद था। घीसू नगर के बाहर गोधूली की हरी भरी क्षितिज रेखा में उसके सौंदर्य से रंग भरता, गाता, गुनगुनाता और आनंद लेता। घीसू की जीवन यात्रा का वही संबल था, वही पाथे था। संध्या की शून्यता, बूटी की गमक, तानों की रसीली गुन्नाहट, नंदू बाबू की बीन, सब बिंदु की आराधना की सामग्री थी। घीसू कल्पना के सुख से सुखी होकर सो रहता। उसने कभी विचार ही ना किया था कि बिंदु कौन है। किसी तरह से उसे इतना विश्वास तो हो गया था कि वह एक विधवा है, परंतु इससे अधिक जानने की उसे कोई आवश्यकता जैसे नहीं थी। रात के 8 बजे थे। घीसू बाहर से लौट रहा था। सावन के मेघ घिरे थे, फूही पड़ रहे थे। घीसू गा रहा था, निस दिन बरसत नैन हमारे। सड़क पर कीचड़ की कमी न थी। वह धीरे धीरे चल रहा था, गाता जाता था। सहसा वह रुका। एक जगह सड़क पर पानी इकट्ठा था। छींटों से बचने के लिए वह ठिठक कर किधर से चले सोचने लगा। पास के बगीचे के कमरे से उसे सुनाई पड़ा, यही तुम्हारा दर्शन है, यहाँ इस मुजली को लेकर पड़े हो मुझसे। दूसरी ओर से कहा गया था, तो इसमें क्या हुआ, क्या तुम मेरी ब्याही हो जो मैं तुम्हें इसका जवाब देता फिरूं। इस शब्द में भर्राहट थी, शराब की बोली थी, शराबी की बोली थी। घीसू ने सुना बिंदु कह रही थी, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने धर्म बिगाड़ा है, सो इसलिए नहीं कि तुम मुझे फटकारते फिरो, मैं इसका गला घोंट दूंगी और तुम्हारा भी, बदमाश। ओहो, मैं बदमाश हूँ, मेरा ही खाती है और मुझसे ही। ठहर दो,
देखूं किसके साथ तू यहाँ आई है जिसके भरोसे इतना बढ़ चढ़कर बातें कर रही है। पाजी लुच्ची भाग, नहीं तो छुरा भोंक दूंगा। छुरा भोंकेगा? मार डाल हत्यारे, मैं आज अपनी और तेरी जान दूंगी और लूंगी, तुझे भी फांसी पर चढ़वा कर छोड़ूंगी। एक चिल्लाहट और धक्कम धक्का का शब्द हुआ। घीसू से अब ना रहा गया, उसने बगल में दरवाजे पर धक्का दिया, खुला हुआ था। भीतर घूम फिर कर पलक मारते मारते घीसू कमरे में जा पहुंचा। बिंदु गिरी हुई थी और एक अधेड़ मनुष्य उसका जूड़ा पकड़े था। घीसू की गुलाबी आंखों से खून बरस रहा था। उसने कहा, हैं, यह औरत है? इसे? मारने वाले ने कहा, तभी तो इसी के साथ यहां तक आई हो, तो यह तुम्हारा यार आ गया? बिंदु ने घूमकर देखा, घीसू, वह रो पड़ी। अधेड़ ने कहा, ले चली जा, मौज कर, आज से मुझे अपना मुंह मत दिखाना। घीसू ने कहा, तुम विचित्र मनुष्य हो, लो चला जाता हूँ, मैंने तो छुरा भोंकने इत्यादि और चिल्लाने का शब्द सुना, इधर चला आया, मुझे तुम्हारे झगड़े से क्या संबंध? मैं कहाँ ले जाऊंगा भाई, तुम जानो तुम्हारा काम, लो मैं जाता हूँ, कहकर घिसू जाने लगा। बिंदु ने कहा, ठहरो। घिसू रुक गया। बिंदु ने फिर कहा, तो जाती हूँ अभी इसी के संग। हाँ, यह भी क्या पूछने की बात है? बिंदु चली, घीसू भी पीछे पीछे बगीचे के बाहर निकल आया। सड़क सुनसान थी, दोनों चुपचाप चले। गोदोलिया चौ मुहाने पर आकर घीसू ने पूछा, अब तो तुम अपने घर चली जाओगी? कहाँ जाऊंगी, अब तुम्हारे घर चलूंगी। घीसू बड़े असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, मेरे घर कहाँ? नंदू बाबू की एक कोठरी है, वहीं पड़ा रहता हूँ, तुम्हारे वहां रहने की जगह कहाँ? बिंदु रो पड़ी, चादर के छोर से आंसू पोंछती हुई बोली, आंसू पोंछती हुई बोली, तो फिर तुमको इस समय वहां पहुंचने की क्या पड़ी थी? मैं जैसा होता भुगत लेती, तुमने वहां पहुंचकर मेरा सब चौपट कर दिया, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। सड़क पर बिजली के उजाले में रोती हुई बिंदु से बात करने में घीसू का दम घुटने लगा। उसने कहा, तो चलो। दूसरे दिन दोपहर को थैली गोविंद राम के घाट पर रखकर घीसू चुपचाप बैठा रहा। गोविंद राम की बूटी बन रही थी। उसने कहा, घीसू आज बूटी लोगे? घीसू कुछ ना बोला। गोविंद राम ने उसका उतरा हुआ मुंह देखकर कहा, क्या कहें घीसू, आज तुम उदास क्यों हो? क्या कहूं भाई, कहीं रहने की जगह खोज रहा हूं, कोई छोटी सी कोठरी मिल जाती जिसमें सामान रखकर ताला लगा दिया करता। गोविंद राम ने पूछा, जहां रहते थे अब वहां आप जगह नहीं है, इसी मढ़ी में क्यों नहीं रहते? ताला लगा दिया करो, मैं तो 24 घंटे रहता नहीं। घीसू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। गोविंद ने कहा, तो उठो, आज तो बूटी छान लो। घीसू पैसे की दुकान लगाकर अब भी बैठता है और बिंदु नित्य गंगा नहाने आती है। वह घीसू की दुकान पर खड़ी होती है, उसे वह चार आने पैसे देता है। अब दोनों हंसते नहीं, मुस्कुराते भी नहीं। घीसू का बाहरी और जाना छूट गया है। गोविंद राम की डोंगी पर उस पार हो आता है, लौटते हुए बीच गंगा में से उसकी लहरीली तान सुनाई पड़ती है, किंतु घाट पर आते आते चुप। बिंदु नित्य पैसे लेने आती है, ना तो कुछ बोलती और ना घीसू ही कुछ कहता। घीसू की बड़ी बड़ी आंखों के चारों ओर हल्के गड्ढे पड़ गए थे। बिंदु उसे स्थिर दृष्टि से देखती और चली जाती। दिन पर दिन वह यह भी देखती कि पैसों की ढेरी कम होती जाती है, घीसू का शरीर भी गिरता जा रहा है, फिर भी एक शब्द नहीं, एक बार पूछने का काम नहीं। गोविंद राम ने एक दिन पूछा, घीसू तुम्हारे तान इधर सुनाई नहीं पड़ी? उसने कहा, तबीयत अच्छी नहीं है। गोविंद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम्हें ज्वर आता है? नहीं तो यूं ही आजकल भोजन बनाने में आलस करता हूं, अंड बंड खा लेता हूं। गोविंद राम ने पूछा, बूटी छोड़ दी है, इसी से तुम्हारी यह दशा हो गई है? उस समय घीसू सोच रहा था, नंदू बाबू की बीन सुने बहुत दिन हुए, वे क्या सोचते होंगे। गोविंद राम के चले जाने पर घीसू अपनी कोठरी में लेट रहा। उसे सचमुच ज्वर आ गया था, भीषण ज्वर था, रात भर वह छटपटाता रहा। बिंदु समय पर आई, मढ़ी के चबूतरे पर उस दिन घीसू की दुकान न थी, वह खड़ी रही। फिर सहसा उसे दरवाजा धकेल कर देखा, घीसू छटपटा रहा था। उसने जल पिलाया। घीसू ने कहा, बिंदु क्षमा करना, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया, अब मैं चला, लो यह बचा हुआ पैसा, तुम जानो भगवान। कहते कहते उसकी आंखें टंग गई। बिंदु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गोविंद राम को बुला लाए। बिंदु अब भी बची हुई पूंजी से पैसे की दुकान करती है। उसका यौवन रूप रंग कुछ नहीं रहा,
बचा रहा थोड़ा सा पैसा और बड़ा सा पेट और पहाड़ से आने वाले दिन। यह थी कहानी घीसू। इसी तरह हिंदी की श्रेष्ठ कहानियां सुनने के लिए आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद।